आप सब वो वाक्य यकीन नहीं भूले होंगे जब आसिन इकबाल जो है वो इस्लामाबाद जाते हुए एक फेरा एक स्टेशन है सर्विस स्टेशन, वहाँ पर मैकडोनल्ड्स में रुके तो वहाँ बहुत सी खवातीन फैमिलीज थी जिन्होंने इनके साथ बात की कि देखिए आप लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए, आपके जो लीडर हैं वो करप्शन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इमरान खान तो नवाज शरीफ की जूती के बराबर भी नहीं है। तो तब फिर वहाँ पर कुछ खवातीन को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ये आप क्या गलत बात कर रहे हैं, आप लोग तो खुद चोर हैं। तो वहाँ चोर चोर के नारे शुरू हो गए, जितने भी लोग थे वहाँ उस रेस्टोरेंट में सब ने इनको चोर गद्दार और जो भी नारे होते हैं लगाने शुरू कर दिए। जाहिर है ये बड़ी एम्बेसिंग सिचुएशन थी आसिन इकबाल के लिए और लोगों ने इसको वीडियो भी बना ली और ये वीडियो जो है वायरल भी हो गई। उसके बाद जनाब क्या होता है कि इन्होंने कुछ इदारों से आसिन इकबाल ने धमकियाँ दिलवाई उस फैमिली को, ख़ासतौर पर जब इन्होंने फुटेज चेक की तो उसमें जो नुमाया थी जिसने आगाज़ किया था जिस फैमिली ने, उनको इन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी कि आकर हमसे माफ़ी मांगे वरना आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकेंगे। अच्छा उस फैमिली ने इनको ये कहा कि हम वीडियो बनाकर भेज देते हैं, कहते नहीं आपको हमारे घर आना होगा, घर आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चुनाचे उन बेचारों को पता नहीं किन किन हसास इदारों से इन्होंने धमकियाँ दिलवाई और वो बेचारे फैमिली जो है इनके घर गए। आप देखें कि ये कितनी बदमाशी करते हैं, हालांकि आसिन इकबाल इनकी पार्टी का एक शरीफ आदमी समझा जाता है, लेकिन आप उसका भी किरदार देखें कि उसने भी इनको उनको धमकियाँ दिलवाई। तो बाकी राणा सनाउल्ला जैसे लोग जो भरे हुए हैं वो क्या करते होंगे, ये लोग तो बड़ी आसानी से लोगों को मरवा देते हैं, कितने बेरहम और सफाक लोग हैं। इन्होंने पुलिस मुकाबलों में इन्होंने भी मारा हुआ है, सरदारी ने भी मरवाए हुए हैं पुलिस मुकाबलों में मासूम नाहक लोग। जो भी कोई हक सच की बात करते हैं या हक सच का फैसला करते हैं, वो आयान अली को जिसने इंस्पेक्टर ने पकड़ा था, आपको पता है ना कि उसे एक दिन के बाद इन्होंने मरवा दिया था, और बेशुमार लोग हैं जिन्हें उन्होंने राव अनवार जो इनका एक पुलिस ऑफिसर था उसके ज़रिए जरदारी ने मरवाया, मॉडल टाउन वाले केस में राणा ने सनाउल्ला ने मरवाया और फैसलाबाद में बेशुमार लोग मरवाए हैं। तो ये लोग सियासतदान नहीं आप इन्हें कह सकते, ये माफियाज हैं, माफियाज जिन्होंने हमारे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है और ये दुश्मन है हमारे मुल्क के। इनके सारे असासे बाहर पड़े हैं, इनके बच्चे भी बाहर हैं, इनके सारे ख़ानदान बाहर हैं। अब आप देख लेना कि नवाज शरीफ का जो ख़ानदान है उसमें कौन है यहाँ पर मरियम के सिवा, सब लोग तो बाहर हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ का भी सारा ख़ानदान बाहर है, लंदन में है ये लोग, इनकी जायदादें इनके महल सब कुछ लंदन में है, इनके तमाम बैंक अकाउंट्स जो हैं वो लंदन में हैं और ये तो आराम से चले जाएंगे। इनको क्या कि पाकिस्तान की आवाम जो है पीछे से मरे जिए, इन्हें उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। तो सो आवाम अगरचे इमरान खान के साथ है, फिर भी कुछ ना समझ जो लोग हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि खुदारा आप लोग जो हैं वो अभी भी आपके पास वक्त है और आप इनकी असलियत को समझ लें। अपनी आंखों पर जो वो एक ख़ास पट्टी बंधी होती है अपने एक जज्बातियत की, उसको उतार दें और ये समझने की कोशिश करें कि ये लोग आपके साथ मुखलिस, किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है, ये सिर्फ अपनी ज़ात के साथ मुखलिस हैं। और नवाज शरीफ जो बीमारी का बहाना बनाकर 2.5 साल हो गए वो बाहर बैठा हुआ है और अभी वो जो इसहाक डार है उसने आना था, अगर ये सूबाई इलेक्शन जीत जाते तो उसने आना था, पूरा प्रोग्राम बनाया होता, लेकिन जब वो नहीं जीत सके तो वो दोबारा बीमार हो गए। तो अब इनकी ये बीमारी का जो बिल्ली चूहे का खेल है ये तो चलता ही रहता है, कभी ये सेहतमंद हो जाते हैं कभी ये बीमार हो जाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये अब एक्सपोज हो गए हैं, आवाम को इनकी असलियत का पता चल गया है कि ये इंतहाई खुदगर्ज लोग हैं। और यकीन कीजिए कि ये बग़ैर सिक्योरिटी के आवाम में नहीं आ सकते। अब यहाँ से देखें ना, इनको अंदर से तो सारा पता होगा कि ये किस किस्म के लोग हैं, आकर दिखाएं ना इनमें इतनी जरूरत है, तो एक दफ़ा आएँ बाहर आके दिखाएं कि आवाम इनका क्या हल करती है। तो अब जनरल इलेक्शन जो होंगे उसमें इंशाल्लाह ताला इमरान खान जो है वो दोतहाई अक्सरियत से जीतेगा और उसके बाद इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनेगी और उस वक्त उसके मतलब जो हाथ बंधे हुए हाथ थे या जो कुछ मजबूरियाँ थी वो नहीं होगी। फिर आप देखिएगा कि ये किस तरह से इमरान खान आज़ादाना होकर फैसले करता है और ये लोग जो सजाओं से पहले बच गए थे अब ये नहीं बचेंगे। इन्होंने जिस तरह FIA के डायरेक्टर्स को तब्दील किया, कुछ को मरवा दिया, हार्ट ऐसा जहर दिया कि उनको हार्ट अटैक हो गया, जो इन्होंने सहाफ़ियों के साथ किया, इन्होंने वो सहाफ़ी जो सच लिखते थे उनको जिस तरह इन्होंने थ्रेट्स दिए, जिस तरह उन पर FIR बनवाई, जिस तरह उनको मुल्क बदर किया और जिस तरह उनको जहर दिया।